बातें क्या है, कारण क्या है कि जिधर देखती हूँ उधर हमारी राजमहोबा उदासी उदासी छा रही है। बबुआ उदल बबुआ प्रधान के साथ गया राज कलिंगर, अब तक लौट कर वापस नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह। जब सुबह में अपनी महल में सोकर उठी तो क्या दिख रही हूँ आज, हे भगवान, हे उरी उरी कागा
सच्चाई बताती हूँ। आज से 12 बरस पहले तुम्हारा जन्म राज मोहब्बा में नहीं बल्कि राज सोहरी में हुआ था बेटा। क्या मेरा जन्म राज सोहरी में हुआ? हाँ बेटा। या आगे बोलेगी बेटा, तुम्हारा जन्म राज सोहरी में हुआ। तुम्हारे पिता एक अवलोकिया में निमंत्रण भेजकर सब चंद्र चंद्रानी को राज सोहरी में बुलाए, धन सोना लुटाए, बधैया मनाए, क्योंकि एक बेटा आला था और दूसरा तुमने जन्म लिया। दोनों भाई की जोड़ी लगा, तुम्हारे पिताजी काशी से पंडित मंगवाए। कौन मेरे पिताजी? बेटा यहाँ क्या बोलेगी? काशी से पंडित जी आए, जिस दिन तुम्हारे छठिहार था, छठिहार पूजने के लिए काशी से पंडित आया,
वो पंडित तुम्हारे हाथों की भाग रेखा देखा, तुम्हारे हाथों की रेखा देखकर पंडित जी तुम्हारा नामकरण किया बेटा। क्या? हाँ बेटा, छठिहार के दिन तुम्हारे पिताजी से पंडित जी बोले, हे राजन, ये लड़का तो बहुत ही बलवान, बुद्धिमान, वीरवान, पहलवान पुरुष होगा, लेकिन इसके सर पे शनि मंडरा रहा है। या मेरे सर के ऊपर में शनि का रोल लगा। हाँ बेटा, ये बोलेगी ना, ये बोलेगी। देखो बेटा, तुम शनि की बात पंडित जी बताए तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारे पिताजी कहने लगे कि पंडित जी, आखिर ये शनि ग्रह मेरे बेटे के सर पर जो आया है वह कैसे टलेगा? कौन बोले? मेरे पिताजी। हाँ बेटा, फिर क्या हुआ मामा? पंडित जी बोले, हे राजन, अगर आप पांच पेड़ फलियां तोड़कर लाइए और पांच ब्राह्मण को भोजन करवाइए तो आपके पुत्र के सर से शनि ग्रह टल जाएगा। कौन पंडित बोला? हाँ बेटा, देखो बेटा, उस बाग बाग चादर कोष में तुम्हारे पिता का बाग था। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी अपने मिलन को ऑर्डर दिए कि मिलन, जाओ बाग में से पांच भतिया आम तोड़कर आओ और पंडित जी को भोजन कराओ, ताकि मेरे पुत्र का शनि ग्रह टल जाएगा। फिर क्या हुआ बेटा? फिर क्या था? जब मिलन बाग में जाने के लिए कदम उठाए तो तेरा बड़ा भाई मुनि आल्हा, जो पांच बरस का था, मिलन के साथ पकड़ लिया कि चाचा जी, मैं भी जाऊंगा लाल बाग में। मैंने भी मना की, तुम्हारे पिता मना किया, तुम्हारे मिलन चाचा मना किया, लेकिन बच्चे की जात जिद करने लगा कि नहीं, मैं भी जाऊंगा लाल बाग में। बेटा, तुम्हारे भैया आल्हा मिलन के साथ चले गए। जब उस मिलन बगीचे में पहुंचा बेटा, तो वहां तुम्हारे भैया झगड़ू सिंह, कागा सिंह बहुत कड़ा पहरा बजा रखा था। देखो, जब वो आम तोड़ने की बात किया मिलन, तो तुम्हारे भैया कागा, जो तुम्हारे चाचा जी का पुत्र है, कौन? कागा सिंह कौन है? देखो बेटा, तुम्हारे चाचा जो टोडर सिंह है, उसके पुत्र झगरू और कागा है। फिर क्या हुआ? तुम्हारा चचेरा भाई जब मिलन आम लेने के लिए बगीचे में गया, तो वहां उसने आम तोड़ने से मना कर दिया। क्यों? कहने लगा कि नहीं, ये मेरे हिस्सा में है, मेरे पिताजी का लाल बाग है, मैं इसमें से आम क्या एक पत्ता तक नहीं ला ले जाने दूंगा। बहुत जिद किया। कौन? कागा सिंह बोला। कागा सिंह बोला। फिर क्या हुआ? मिलन जिद करने लगा कि नहीं राजन, कम से कम पांच तो आम में लेकर जाऊंगा। बोला, नहीं, मैं पत्ता तक नहीं लेने दूंगा, आम की बात कर रहे हो। दोनों में झुरमुट होने लगा बेटा। आखिरकार में तुम्हारे मिलन चाचा वापस घूमकर आने लगे। सारे बात को मैं नोट करते जा रहा हूं। अंतिम में बेटा, तुम्हारे मिलन चाचा वापस आने लगे कि राजन, अगर नहीं दोगे आम तो क्या है, मैं जा रहा हूँ अपने राजा को कहने के लिए। जब वापस घूम कर आ रहा था मिलन, तो अचानक एक पेड़ से भदिया आम नीचे गिर पड़ा, पका हुआ। देखो बेटा, फिर क्या हुआ? जब अचानक एक आम गिर गया जमीन पर पका हुआ, तो मुन्नी आल्हा पांच बरस का बच्चा उस आम को उठाकर उसने अपने मुंह में लगा दिया। बेटा बेटा, जैसे ही मुन्नी आल्हा मुंह में आम डाला, ताला ले चापे अंडा, माना बापू लाया Thank you.
तुम्हारे पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, आखिर मैं आ तो गया ना,
बोला हाँ। तुम्हारे भाई झगड़ू सिंह कहने लगा कि चाचा जी मैंने गजबेली से लोहा मंगवाए हैं, उसका तेगा बनवाकर अपने महल में रखा हूँ। आप बहुत जिज्ञासा से लोहा को जांचते हैं कि कौन सा लोहा ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, जरा आप जांच दीजिए। झगड़ू सिंह तीन तेगा लेकर आया और तुम्हारे पिताजी को दांत से जांचने के लिए, जीपिया से जांचने के लिए दे दिया। तुम्हारे पिताजी एक तेगा जांचे, बोला ये बेटा नकली है। दूसरा तेगा जांचे, बोला ये बेटा नकली है। और बेटा तीसरा तेगा जो ओरिजिनल था, जैसे ही उसने मुख में तेगा लगाकर सर को झुकाया, तुम्हारे ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं तुम्हें अपने पुत्र को सौंपती हूँ।
किसी राजकुमार को छोड़कर कहीं मत जाने देना। मैं नहीं चाहती कि जो जो व्यवहार मेरे पति के साथ हुआ था वही व्यवहार मेरी बेटा के साथ हो, नहीं तो मैं जीते जी टूट जाऊंगी बेटा। देखो माँ, तुझे मैं विश्वास देता हूँ, मैं मोहब्बा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तू महल में जाओ, खाना बना के रखना, मैं दोनों दोस्त आऊंगा, खाना खाऊंगा, मोहब्बा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैया मेला कि तुमने उल्टी पुल्टी समझा, मैया मर में गई बाद तो ही यात्रा करेंगे।